वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। आज जैसे सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया है और बहुत स्टूडेंट्स पास भी हुए हैं, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि पास नहीं हुए होंगे। क्या जो पास नहीं हुए हैं तो उनको हम बाद में बोलेंगे, पहले जिनका रिजल्ट अच्छा है और जो पास हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी। और ऐसे ही हमारी एक स्टूडेंट है चहगर, थोड़ा सा मैं आज उनसे कन्वर्सेशन आपके करवाऊंगी, जिससे कि आप लोगों को भी पता चलेगी चेक ने कैसे स्टडी की थी और उनका मार्क्स का स्कोर कैसे रहा है। तो मिलते हैं चहक से, कॉन्ग्रेचुलेशन चहक। थैंक यू मैम। और बेटा थोड़ा सा आपसे पूछना था, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन मैं आपसे आपको बोलूंगी और आपके फ्यूचर के लिए भी बोलूंगी वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप इसी थैंक यू। तरीके से तरक्की करते रहे बेटा। थोड़ा सा एक कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के जो कि पूछना चाह रहे हैं आपसे। बेटा पहले तो सबसे पहले बताओ कि आपने स्टडी कैसे की थी, और कितने आवर स्टडी की थी सी मैम फाउंडेशन के लिए। मैं इनिशियली तो 3 मंथ्स तक वही 4 to 5 hours, ओके और इन टुवर्ड्स द एंड व्हेन द पेपर्स वर नियर देन आई स्टडीड फॉर अराउंड 6 7 hours। 6 7 आवर्स। ओके तो बेटा आपने स्टडी 6 7 आवर्स लास्ट के मोमेंट पे की है। ओके यस अच्छा, मैम, लास्ट मतलब नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर एंड दिसंबर। बाकी और किस तरीके से, मतलब स्टडी का आपका पैटर्न कैसा था, मतलब किस हिसाब से स्टडी करते थे। मैंने इन 4 पेपर्स में से 2 पेपर्स को तो सबसे स्ट्रॉन्गली पढ़ा था। कौन से? आई थिंक ये सबसे पहले तो एक अकाउंट्स का था यस और मैम, उसमें आपका स्कोर भी बहुत अच्छा रहा था, 80 मार्क्स आए हैं। अकाउंट्स का एंड इकोनॉमिक्स अच्छा ओके एंड लॉ एंड मैथ्स। मैम की मैथ्स थोड़ा टफ पेपर था, अच्छा तो लॉ एंड मैथ्स पर लाइक कि मैंने करे थे पर मैंने 100% एफर्ट्स नहीं डाले थे, ओके बिकॉज मेरे दो स्ट्रॉन्ग टॉप सब्जेक्ट्स थे अकाउंट्स और इको, ओके और मैंने ज्यादातर टाइम उन्हीं को डिवोट किया था। मेरा प्लान तो ये था कि अगर इन दोनों में भी अबव 60 मार्क्स आ गए तो बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में सिर्फ पासिंग मार्क्स से काम चल जाएगा। अच्छा मैंने 100 एनालिसिस करी थी एक्चुअली अपने पेपर्स बिल्कुल में, बिल्कुल सही बात है। जिससे मेरे को काफी हेल्प मिली कि इको और अकाउंट्स कॉमर्स में भी हमने करे थे, ट्वेल्थ में भी किए तो थे, काफी सिलेबस उसका ही कवर था। हाँ, तो इसीलिए वो दोनों स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। और मैथ्स और लॉ, लॉ क्योंकि लर्निंग सब्जेक्ट था, केस स्टडीज सेक्शंस कभी कभी हम भूल जाते हैं और सेक्शंस लिखने में फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है, केस इसलिए मैंने। स्टडी में आपको प्रॉब्लम भी हो रही थी, आप उसमें बोल भी रहे थे कि मैम थोड़ा सा केस स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है लास्ट यस मोमेंट। मैम, क्योंकि हाँ हाँ वही तो थोड़ा सा जैसे मैंने लास्ट मोमेंट पे आपको नोट्स वगैरह दिए थे, उससे कुछ हेल्प वगैरह मिली। मैम, उससे बहुत हेल्प मिली। उससे मैंने लास्ट लास्ट पॉइंट पे रिविजन्स के लिए वो नोट्स ही काम आते हैं, क्योंकि हाँ लास्ट मोमेंट पे तो वही। लास्ट मोमेंट में आप ना तो सारी वीडियोस देख सकते हो और ना ही आप पूरा आईसीए का मटेरियल पढ़ सकते हो, हाँ तो उस मोमेंट पे तो वो नोट्स ही काम आते हैं, बस क्विक क्विक रिकैप जो होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चाहे जैसे आप जब मतलब आपने ऑनलाइन क्लास लगी ली थी, तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लास नहीं लेती मैं, ऑफलाइन क्लास लेती, या फिर जैसे मैंने आपको रिकॉर्डिंग क्लास दी थी तो कहीं कि नहीं रिकॉर्डिंग क्लास सही नहीं थी, या कुछ और डिफरेंट तरीके से लेती तो उस वो ज़्यादा बेस्ट होता, कुछ ऐसी फीलिंग्स आई कभी आपको? नहीं मैम, मैम रिकॉर्डिंग क्लासेस में भी आप ऑफलाइन जाओ ऑनलाइन जाओ, आपका अपना डेडिकेशन है, डेडिकेशन से काम करोगे तो मैम आप ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हो। अगर आप देख के बैठोगे कि मैंने आज ये सब्जेक्ट ये टॉपिक खत्म करना है बिल्कुल और नहीं बिल्कुल करना, तो ऑफलाइन में भी मैम बच्चे सिंसियरली नहीं करते। बिल्कुल 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 ये बात बिल्कुल सही कही चहक ने कि खुद का डेडिकेशन होता है, कि यदि हम खुद सोचें कि हमें पास होना है और हमें पढ़ना है, कुछ गेन करना है, तो वो हम ऑनलाइन में भी कर लेंगे और अकेले भी कर लेंगे, और यदि हमें नहीं पढ़ना है तो हम ऑफलाइन में भी या फिर कहीं पे भी, टीचर चाहे सामने भी खड़ा है फिर भी हमारा माइंड कहीं और रहेगा और हम बैठे क्लास में ही रहेंगे, खुद की डेडिकेशन होती है। बिल्कुल सही बोला। यस
अच्छा, और आगे कुछ, और जो तुम्हारे से जूनियर है उनको कुछ कहना चाहोगे, किस तरीके से कोई गाइड करना चाहोगे, चाहे कि कैसे उन्हें पढ़ना चाहिए? मैम पढ़ना तो वैसे मैम बेस्ट तरीका वही जो टीचर्स आपको सही तरह से गाइड करते हैं। बिल्कुल जैसे मैम मुझे आपने बताया था कि हर टॉपिक वाइज खत्म करो, टॉपिक वाइज फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज करके टेस्ट कर, और मैम मैंने वही पैटर्न फॉलो किया था इनिशियली, तो कि जो जो टॉपिक कंप्लीट होते थे उसके पीछे का स्टडी मटेरियल से पढ़ो फिर बुक से सॉल्व करो, तो एंड टाइम पे भी ये टेंशन नहीं रहती कि बुक से नहीं पढ़ा, अगर बुक से कुछ आ गया तो कैसे सॉल्व होगा। हाँ, लास्ट मोमेंट पे फिर कई बार ये टेंशन होती है कि कहीं स्टडी मटेरियल ये छूट गया हमारा, ये इलस्ट्रेशन नहीं की और बैक के क्वेश्चन नहीं किए, तो हाँ एक वही वही कॉन्फिडेंस आ होता जाता है उस पे। है, हाँ काफी हद तक, क्योंकि आपको एक पता होता है कि मैंने बुक तो पूरी ढंग से कर रखी है, वो मुझे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हैंड में। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कुछ चहक? मैम ऑल द बेस्ट जूनियर्स के लिए, तो चलिए, ऑल द बेस्ट तो आपके लिए भी है, आप आगे सीए इंटरमीडिएट में भी अच्छा, यही हमारी विशेष है कि उसमें अच्छा स्कोर करें, और इसी तरीके से बल्कि इस बार आपके अकाउंट्स में 80 आए, हम तो विशेष करते हैं कि आपके 100 में से 100 आए, बाकी लॉ के सब्जेक्ट्स थैंक यू में मैम। भी। और इस बार तो अब आपको लॉ भी वास्ट हो गया है, ठीक है, तो यस अच्छा, मैम, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, ठीक है, ओके, यस थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। गाइस, जैसे अभी चहक ने बताया कि ये खुद की डेडिकेशन होती है, हमारी यदि विल पावर स्ट्रोंग है और यदि हमें, हमने ये सोच लिया कि हमें पास होना है, पढ़ना है, तो तब हम कहीं पर भी या किसी भी तरीके से हम स्टडी करें तो हम कर लेंगे। तो बेटा, मैं आज ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगी जो आज का जिनका रिजल्ट आज अच्छा नहीं आया है, तो थोड़ा सा अपनी कमियों को देखो बेटा, कहीं ना कहीं आपके विल पावर आपकी कम कमजोर रही है, अपनी विल पावर को स्ट्रोंग करो और अपना एक टाइम टेबल बनाओ, प्लानिंग बना करो कि हमें इतना इतना सिलेबस करना है, कितना मतलब एक दिन में इतनी आवर स्टडी करनी है, और जितने आवर स्टडी करनी है इफेक्टिव करनी है। ऐसा नहीं कि लेके तो आप बैठे हो कि हाँ घर वालों को आसपास सबको दिखा रहे हो कि हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आउटपुट उसका उतना नहीं आ रहा है। तो बेटा जितने भी मतलब चाहे थोड़े थोड़े घंटे ही पढ़ो, लेकिन उसका आउटपुट उतना ही आना चाहिए। तो बेटा आप भी फिर अच्छे तरीके से अच्छे नंबर से पास होगे। तो बेटा बस मैं यही कहना चाहूंगी कि उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है जो नहीं पास हुए हैं, अपनी होप ना छोड़ो, आज भी नेक्स्ट अटेम्प्ट में तुम जरूर क्लियर करोगे, ठीक है? चलो, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू मैम। मैम मेरा लीव